So, today I am going to cover the last model since we are talking about growth models. This is the last model in the series of our discussion, which is um, the AK model, and this is section 8.1 from chapter 8. Obviously, we are only doing one section.

to induce a long run growth in the model uh, we need some kind of external change to be able to explain long run growth of output in these models and hence there are uh, you know two categories of growth models one is exogenous you can call them exogenous growth models where the long run growth is dependent on some external factors and the other one is the endogenous growth model जहां पे हम बोलते हैं दैट वन ऑफ द इंटरनल फैक्टर्स वन ऑफ द फैक्टर्स आर इन द मॉडल विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्ग रन ग्रोथ इन द मॉडल एंड द ए के मॉडल इज अ वेरी वेरी सिंपल एग्जाम्पल ऑफ दिस कैटेगरी ऑफ ग्रोथ मॉडल विच इज दिनस ग्रोथ मॉडल तो एंडोजिनस ग्रोथ मॉडल का मतलब होता है दैट वन Variable which has been already defined in the model is responsible for long run growth of the output in the economy. Mm -hmm. we, study new model, we start with understanding the production function of that model. So, in the AK model, the production function looks like this y is equal to AK, and that is why the model is called as AK model because the production function looks like AK. Um, you can clearly Compare it with the production function of Say a solo model or a Romer's model, where usually you have a superscript for capital. Usually, when uh, you solo model, mein production function define करते so it looks like a Cobb-Douglas function where you have a superscript on K. In the AK model, we are assuming that the value of alpha is equal to one. हम जब यहाँ पे कॉबडलस फंक्शन में अल्फा लिखते हैं वी अज्यूम दैट अल्फा हैज टू बी बिटवीन जीरो एंड वन बट इन ए के मॉडल वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द लिमिटिंग केस वेयर अल्फा विल बिकम एग्जैक्टली इक्वल टू वन ठीक है सो दैट इज द बेसिक बैकग्राउंड ऑफ द ए के मॉडल नॉट जस्ट हाउ वी हैव डिस्कस्ड कैपिटल ग्रोथ डायनेमिक्स इन ऑल द मॉडल सिमिलरली ए के मॉडल में भी आप वही सेम चीज बिल्ड कर सकते हो दैट वॉट इज द चेंज इन कैपिटल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ कैपिटल चेंज कैपिटल अक्यूमुलेशन की क्या इक्वेशन है एंड इट इज अ सिंपल इक्वेशन जो सोलो मॉडल में पड़ी थी विच इज टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी एंड यू सब्ट्रैक्ट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिए इकोनमी सो एस इज द सेविंग्स रेट वाई इज द टोटल आउटपुट डी इज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के इज दमाउंट ऑफ कैपिटल ये एक सिंपल इक्वेशन है जो आप लोगों को अभी तक पता होनी चाहिए कि क्या होती है बिकॉज यू ऑलरेडी डन दिस इन सोलो मॉडल द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ द ए के मॉडल एंड द प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ द अदर दॉडल इज द डिफरेंस इन द दल्फा वैल्यू एंड ऑल्सो यू विल नोटिस दैट ह्योर जो यहाँ पे हम प्रोडक्शन फंक्शन ले रहे हैं दिस फॉलोज कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल वेर एज दिस प्रोडक्शन फंक्शन जो हम अभी तक पढ़ रहे थे दिस हैज फॉलोड

whereas in the case of a constant returns to scale you will not notice this fall in the marginal product and in fact the marginal product will be constant so if suppose the first unit of capital had added 10 units of output then the second unit of capital will also add 10 units of output the third unit of capital will also add 10 units of output the fourth will also add 10 units of output whenever you are adding an extra unit of capital the marginal contribution will be कॉन्स्टेंट इन केस ऑफ दिस मॉडल बेसिकली कोई भी प्रोडक्शन फंक्शन जिसमें कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल फॉलो कर रहा है कैपिटल में यू विल नोटिस एंडर जैसे हमने सोलो मॉडल में दो ग्राफ्स बनाए थे डिफरेंस बस ये था कि सोलो मॉडल में जो इन्वेस्टमेंट फंक्शन था दैट वॉज अ करव एंड यू हैड एड एप्रिसिएशन लाइन

फंक्शन विच इज अ लिनियर फंक्शन इन कैपिटल तो यहाँ पे हम इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं दिस इज द डेप्रिसिएशन यहाँ पे भी ये डेप्रिसिएशन थी नाउ द डिफरेंस बिटवीन दिस मॉडल द सोलो मॉडल एंड द ए के मॉडल इज दैट इन द केस ऑफ ए के मॉडल यू विल नेवर हैव अ स्टेडी स्टेट ऑफ कैपिटल द स्टडी स्टेट इज मिसिंग इन द एके मॉडल द रीजन इज एट ऑफ चेंज डीक्रीज विद्रीज इन कैपिटल जो कि यहां पर हो रहा था कि जब हम एक एक्स्ट्रा कैपिटल एड कर रहे थे तो नेट एडिशन टू आउटपुट वॉज डिक्रीजिंग विद एन इंक्रीमेंट इन कैपिटल और क्योंकि डेप्रीसिएशन वॉज इंक्रीजिंग एट अ कॉन्स्टेंट रेट वी हैड टू रीच अ पॉइंट विच वॉज कॉल्ड एज द स्टडी स्टेट स्टॉक ऑफ कैपिटल जहां पे सेल बी एग्जैक्टली इक्वल टू डेप्रीसिएशन इन द केस ऑफ एके मॉडल because this is a limiting case of solo model we are saying that every unit increase in capital is going to increase the output by the same amount so investment is perpetually higher than depreciation in this model the savings or the investment is always higher than depreciation in this model whereas in this model in the solo model initially the savings is higher you can see that the savings curve is above the depreciation curve but eventually it has to Come down. I mean, it, there will be a point when savings in the economy will be exactly equal to depreciation. So, in the solo model, we had a capital steady-state stock of capital, whereas here we do not have any steady state, and that is the reason why this model will produce perpetual long-run growth. क्योंकि यहाँ पे हम एक इक्वलिब्रियम या एक स्टेडी स्टेट लेवल पे कभी पहुंचेंगे ही नहीं तो जब तक इस इकोनॉमी में सेविंग्स होती रहेगी इन्वेस्टमेंट होती रहेगी वो हमेशा डेप्रिसिएशन से ज्यादा ही होगी और इकॉनॉमी विल कीप ऑन ग्रोइंग सो देर विल बी अ लॉन्ग रन ग्रोथ इन दिस काइंड ऑफ मॉडल विच विल बी गाइडेड बाय सेविंग्स इफ सेविंग्स आर हैपनिंग इन द इकोनॉमी अगर इकोनॉमी में सेविंग्स हो रही हैं तो इस मॉडल में ग्रोथ हमेशा होती रहेगी दिस इज एज सिंपल एज दैट दॉडल इज एज सिंपल एज दट बट अगर इसको आपको एल्जेबेली um, प्रूव करना पड़े सो यू हैव दैपिटलेशन इक्वेशन डिवाइड बोथ साइड बाई के दिस बिकम्स द ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल एंड ह्यार यू हैव एस वाई बाय के वाई बाय के को आप ए लिख सकते हो बिकॉज फ्रॉम द प्रोडक्शन फंक्शन यू नो दैट वाई इज इक्वल टू ए के सो दिस विल बिकम

तो Y में जो ग्रोथ होगी दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द ग्रोथ इन कैपिटल जितने अमाउंट से कैपिटल ग्रो करेगा एग्जैक्टली सेम अमाउंट से आउटपुट ग्रो करेगा तो ये जो इक्वेशन है ये बेसिकली आउटपुट ग्रोथ को भी डिफाइन कर रही है एस ए माइनस डी सो हेयर इफ सेविंग्स इज इंक्रीजिंग इफ देर आर पॉजिटिव सेविंग्स और इफ सपोज गवर्नमेंट प्लान आउट पॉलिसीज जो कि सेविंग्स इंक्रीज करेगी सेविंग्स रेट को इंक्रीज करेगी इकोनॉमी में देन

तो uh, so, उस टाइम पीरियड के लिए ग्रोथ रेट विल इंक्रीज बट वंस यू रीच द स्टेडी स्टेट ग्रोथ विल स्टॉप देन देर विल नीड टू बी एक्सटर्नल पुश जो कि ग्रोथ इंट्रोड्यूस करेगा मॉडल में जबकि ए के मॉडल में ऐसा कुछ नहीं हो रहा ए के मॉडल में अगर सेविंग्स रेट इंक्रीज होगा तो ये कर विधर शिफ्ट हो जाएगा और इन दोनों के बीच का जो गैप है से बीच का जो गैप है यह और बढ़ जाएगा मोर ग्रोथ इन दी इकोनमी सो दिस काइंड ऑफ अ मॉडल वेर द आउटपुट इज डिफाइंड बाय दिस काइंड ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन विच हैज अंस्टेंट रिटर्न टू स्केल इन कैपिटल कैन एक्चुअली प्रिड्यूस लॉन्ग रन ग्रोथ विच इज Endogenously defined, which is defined by one of the parameters in the model. The basic crux of this model is that if suppose an economy has a production function which follows constant returns to scale in capital, then the only job of the government is to promote policies which savings increase savings economy, jo investment increase because This is the kind of result we will get in in this economy. So to boost growth or to increase growth in the economy.

जब हम यहाँ पे सोलो मॉडल में सेविंग्स फंक्शन बनाते थे तो एल्फा की वैल्यू ही डिफाइन करती थी इस कर्व का कर्वेचर। अगर एल्फा की वैल्यू छोटी है अगर आप यहाँ पे स्लोप निकालोगे यहाँ पे सपोज इसको मैं इस प्रोडक्शन फंक्शन को सेविंग्स फंक्शन में कन्वर्ट कर दूँ और फिर मैं इसका स्लोप निकालू तो दैट स्लोप विल बेसिकली टेल मी अगर इसका डबल डेरिवेटिव निकालू तो दैट विल टेल मी द स्पीड विद विच दिस इज चेंजिंग तो अगर अल्फा की वैल्यू छोटी होती है तो ये कर्वेचर बहुत रैपिडली ग्रो करता है और स्टेडी स्टेट स्टॉक ऑफ कैपिटल जो होगा वो छोटे वैल्यू पे अचीव हो जाएगा वेर एज अगर अल्फा की वैल्यू बड़ी होती है तो ये थोड़ा सा स्लो ग्रो करता है मतलब कर्व की जो स्लोप होती है दैट बिकम्स स्लाइटली फ्लैट एंड यू रीच द स्टडी स्टेट स्टॉक ऑफ कैपिटल एट अ हायर लेवल एज अल्फा इंक्रीजेज द स्लोप बिकम्स फ्लैटर एंड फ्लैटर ठीक है और जैसे जैसे फ्लैट होती जाती है कैपिटल स्टेडी स्टेट स्टॉक ऑफ कैपिटल बढ़ता जाता है बिकॉज करवेचर बहुत स्लोली यू नो डिक्रीज हो रहा है बट वेन एल्फा बिकम्स इक्वल टू वन दैट इज बेसिकली द लिमिटिंग केस जहां पे विल बी लिनियर दैट इज द केस वेयर देर विल नेवर बी एन एन इक्वलिब्रियम बिटवीन द सेविंग्स एंड द डेप्रिसिएशन कर्म्स जो कि यहाँ पे हम ए के मॉडल में समझ रहे हैं आई होप दिस वॉज यूजफुल Follow our channel Beyond the Classroom for more such content.